हरियाणा के पलवल गदपुरी थाना पुलिस ने पिछले दिनी वापरे ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी आखिरकार सुलझा ही लिया है। दरअसल पुलिस ने इस मामले दे एक दोषी काबू किया है जिसकी उम्र 18 साल दसी जा रही है। उसका एक साथी भी इस घटना दे शामिल है पर वह मौके तो फरार दसिया जा रहा है, जिसकी तलाश के लिए भी पुलिस के वलों लगातार छापेमारी की जा रही है। दसना बनता है कि 50 साल के एक शख्स के सिर पत्थर मार के उसका कतल कर दिया गया सी, जिस तो बाद पुलिस ने अणपछाते लोगों के खिलाफ वक् वक् तरावों के तहत मामला दर्ज किया। पलवल तो आज की आवाज़ के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट। ये दिवाली वाली रात को इन्होंने एक जो व्यक्ति का जिसकी उम्र करीब 50 साल है उसका एक मर्डर कर दिया था। शराब के नशे में उन्होंने मर्डर कर दिया था, तो उसका ही आरोपी है और 302 का मामला दर्ज है। इसका जो सहार होती है जो वो विशाल नाम बता रहा है वो अभी फरार है। अभी इसको न्यायालय में पेश करके इसका रिमांड लिया जाएगा, उसके बाद पूछताछ दोबारा से की जाएगी और आगे की तफ्तीश अभी चाहिए। इसका क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम सूरज है और यहाँ पे भगोला पटाखा गोदाम फैक्ट्री है उसके पास कोई कॉलोनी है उसमें रहता है। पीछे से रहने वाला जिला मोतिहारी बिहार का। और मृतक कौन था और क्या नाम था उसका? मृतक का नाम था मंजूर आलम, वो भी इसके पड़ोस में ही घर है वहाँ पे रहता था। जानकारी मिली है कि हत्या करने से पूर्व इन्होंने कुकर्म भी किया है? हाँ, इन्होंने उसकी हत्या करने से पहले उसके साथ कुकर्म किया था और कुकर्म की जो शिकायत है या उससे भाई बदनामी होगी इसकी वजह से उन्होंने उसकी हत्या करी। दो ही थे ये हत्या करने? अभी तक दो नाम हैं जो सामने आए हैं और आगे आगे जैसे इसको रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे जो भी नाम आएंगे आपको जानकारी दे दी जाएगी। हत्या किस तरह से की थी इन्होंने? इन्होंने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के उसके सिर पे मारा जो माथे पे गहरी चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पंजाब दीयां वड्डियां अते ताज़ा खबरां दे लई अज दी आवाज़ दे फेसबुक पेज नूं लाइक करो, पेज फॉलो कर अपने दोस्तां दे नाल सांझा करो। देश विदेश नाल जुड़ियां हर तरह दीयां खबरां लई तुसीं साडे यूट्यूब चैनल अज दी आवाज़ नूं सबसक्राइब करो। हर एक तरह की लेटेस्ट ब्रेकिंग खबर लई सानूं तुसीं इंस्टाग्राम दे उत्ते वी फॉलो करो।